राम राम, जय छत्तीसगढ़, जय माँ भारती। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सत्य साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आप सबसे पुनः निवेदन कि आप सब मेरे सत्य साक्षात्कार चैनल को लगातार समर्थन, सहयोग, आशीर्वाद और सब्सक्राइब करते रहिएगा और देश के विभिन्न क्षेत्रों में फॉरवर्ड और शेयर करते रहिएगा। देखिए, आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट भारत रत्न पे अपनी कुछ विचारधारा, अपनी कुछ राय रखना चाहता हूँ। अभी चूंकि मोदी जी ने लगातार भारत रत्न की घोषणा की, उसके पहले पहले सरकार में भी की, अटल जी से लेकर चौधरी चरण सिंह जी तक लगभग 10 लोगों को उन्होंने भारत रत्न दिया, और उसके पहले भी नेहरू जी के ज़माने से लेकर और आज तक भारत रत्न लगभग 53 लोगों को दिया गया, जहाँ तक मेरे को याद आता है। भारत रत्न है क्या? ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, और इसमें भारत रत्न देने से एक प्रोटोकॉल के तहत एक सम्मान, भारत का सबसे बड़ा सम्मान, अपने आप में एक आत्म गौरव, मान गौरव की अनुभूति और एक इतिहास में नाम दर्ज होता है। जैसे किसी राज्य में जाते हैं, पूरे देश में घूमते हैं, तो एक प्रोटोकॉल के तहत राज अतिथि का दर्जा मिलता है। ये सब बातें अलग हैं, ये सब आपको कहीं से भी जानकारी मिल सकती है। पैसे की इसमें कोई बात तो है नहीं, लेकिन राज अतिथि का दर्जा मिलना, अन्य सुविधाएं मिलना, प्लेन, हेलीकॉप्टर में सब जगह बड़े बड़े सरकारी कार्यक्रमों में प्राथमिकता मिलना, सम्मान मिलना, इज्जत मिलना, ये बहुत बड़ी बात होती है। खैर, लेकिन मिलता किसको था ये? जब इसकी स्थापना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी किए, प्रथम राष्ट्रपति भारत के, तो कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवा में जिनका अतुलनीय योगदान हो, जिनके योगदान से भारत की छवि पूरी दुनिया में निखरी हो और जिनके योगदान से भारत के लोगों को सम्मान मिला हो और लाभ मिला हो लोगों को, ऐसे उत्कृष्ट महामानव, कृत्य करने वाले महामानव लोगों को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न मिलता है, जिसमें पीपल के पत्ते का आकार की एक तांबे की आकृति होती है और उसमें भारत रत्न लिखा रहता है। ये बहुत बड़ा सम्मान है जिसको अभी तक, आज़ादी के बाद अभी तक लगभग 53 लोगों को ही मिला है। अभी ज़्यादा चर्चा इसलिए है क्योंकि मोदी जी ने अपने पिछले कार्यकाल और अभी तक के कार्यकाल में लगभग 10 लोगों को उन्होंने दिया। देखिए, आपको एक बात बता रहा हूँ मैं, दुनिया का सबसे बड़ा सम्मान माने जाता है नोबल का पुरस्कार, साहित्य के लिए, शांति के लिए, विज्ञान के लिए लगभग हर साल नोबल पुरस्कार की घोषणा की जाती है। लेकिन हेनरी किसिंजर को दिया गया शांति का पुरस्कार, जिनकी नीतियों के कारण हजारों लोग मारे गए। बराक ओबामा जी के जब राष्ट्रपति थे, उनके कार्यकाल में 6 बार युद्ध हुआ, कितने हजारों निर्दोष लोग मारे गए, उनको भी शांति का नोबल पुरस्कार मिला। विंस्टन चर्चिल, जिनके आप जानते हैं कि जिनके क्रियाकलापों से, जिनके कार्यक्रमों से ना जाने कितने निर्दोष युद्ध में मारे गए, लेकिन इन लोगों को पुरस्कार मिला। भले चर्चिल जी को शांति का नहीं मिला, लेकिन नोबल पुरस्कार मिला। लेकिन हमारे देश के जो शांति के पुरोधा रहे, ऐसे किसी को नोबल पुरस्कार नहीं मिला। पुरस्कार किसको मिलता है, किसको नहीं मिलता है, ये सरकारें तय करती हैं, लेकिन जिनको नहीं मिलता, इसका मतलब उनकी अहमियत कम नहीं होती। भीमराव अम्बेडकर जी को देखिए आप, राजीव गांधी जी के बाद, इंदिरा गांधी जी के बाद, फिल्मी कलाकार के बाद, कितने सालों बाद उनको भारत रत्न मिला। चौधरी चरण सिंह जी को देखिए, किसानों के महिषाई मसीहा, ईमानदार, राजनीति करने वाले, जिनके जेब में 250 रुपया तक नहीं रहता था। लाल बहादुर शास्त्री जी, फटा कुर्ता, इनको किसी फिल्मी कलाकार के बाद, रामचंद्र जी, बताइए आप इनको अभी। मदन मोहन, महामना मदन मालवीय जी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के स्थापना करने वाले महान विद्वान, महान ज्ञाता, उनको
2015 में मोदी जी दिए। देखिए आप, और तो और आपको मैं क्या बताऊं, नेहरू जी खुद अपना पुरस्कार ले लिए भारत रत्न का, और इंदिरा गांधी जी खुद ले लिए। जैसे कि आज आप कल्पना करिए कि आज भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री अगर द्रौपदी मुर्मू जी के पास जाकर बोलें कि नरेंद्र मोदी जी को भारत रत्न दिया जाए, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता हैं, अप्रूव रेटिंग में नंबर वन है, भारत के भी सबके दिलों में राज करते हैं, बड़े बड़े भारत में काम किए, तो क्या उनकी निंदा नहीं होगी? करने वाले तो निंदा करेंगे। देखिए आप, क्योंकि भारत रत्न का पुरस्कार प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करते हैं राष्ट्रपति जी को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इतने ज्ञानी, इतने होशियार, इतने जानकार, प्रथम राष्ट्रपति, लेकिन उनको कब मिला राष्ट्रपति? देखिए आप, कितने लोगों के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को 1962 में, 1954 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वैज्ञानिक सीवी रमन और आपका श्री राजगोपालचारी को 1954 में पहली बार इसकी शुरुआत होती है भारत रत्न, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब मिलता है? 1962 में। बताइए आप, चौधरी चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर जी कितने दबे कुचले समाज से, इतने ज्ञानी, इतने विद्वान, बिहार के मुख्यमंत्री, सामाजिक क्रांति के, लेकिन उनको अभी मिला 2024 में। तेंदुलकर को पहले मिल गया, कई लोगों के ऊपर प्रश्न चिन्ह है। मेजर ध्यानचंद जी को नहीं मिला, देखिए आप, लेकिन सचिन तेंदुलकर को 40 साल में। भारत की खेल को मिल्खा सिंह को नहीं मिला, भारत के खेल को, भारत की प्रतिभा को बिना चप्पल जूता के मेजर ध्यानचंद, जिनको, जिनके खेल को देखने के लिए हिटलर उस जमाने के दुनिया के सबसे बड़े राजनेता, भले उनके क्रियाकलाप की निंदा लोग करते हैं, वो खुद मेजर ध्यान, पूरी दुनिया मेजर ध्यानचंद जी को देखने आती थी, लेकिन उनको खेल के प्रकोप से उनको भारत रत्न मिला 2011 में। पहले खेल के लोगों को नहीं मिलता था, 2011 में यूपीए की सरकार ने इसमें खेल को भी जोड़ा भारत रत्न में। तब क्या निंदा होनी चाहिए कि नहीं? कपिल देव जी को क्यों नहीं मिला? मैं मेजर ध्यानचंद जी का नाम भी लिया, ऐसे बड़े बड़े खिलाड़ी हमारे देश में हुए, लेकिन तेंदुलकर जी रिटायर भी नहीं हुए थे तो मैं उनको मिल गया। प्रणब मुखर्जी के ऊपर भी जैसे बोला जाता है, उनको भारत रत्न मिला। देखिए बहुत सारे भारत रत्न पे प्रश्न हैं अलग अलग, लेकिन कुछ ऐसे नाम हैं, महर्षि कर्वे, जब अंबेडकर जी पढ़ के पास नहीं हुए थे, पैदा नहीं हुए थे, तब वो 50 प्राइमरी स्कूल खोल दिए, महिला विद्यालय खोल दिए, महिलाओं के लिए यूनिवर्सिटी खोल दिए, और विधवा विवाह का काम किए। भगवान दास जी, महान दार्शनिक, ऐसे इतने अच्छे अच्छे लोगों को मेरा तो कभी मन करता है कि जितने लोगों को भारत रत्न मिला उनके ऊपर, एक एक के ऊपर, जितने महान लोग हैं उनके पर एक अलग अलग विचार, उनके बारे कार्यों को, उनके महान उच्च आदर्शों को, उनके सोच को, विचार को आप सबके सामने लाऊं। मैं जरूर कोशिश करूंगा। कुछ ऐसे नाम हैं जिनके ऊपर, जैसे महर्षि कर्वे जी, भगवान दास जी, पांडुरंग, आपके पांडुरंग वामन काणे जी, ऐसे कई नाम हैं जिनको आम जनता जानती नहीं कि इतने महान आत्मा थे, इतने महान दार्शनिक, इतने विद्वान, इतने लोकप्रिय, इतने गरीबों के काम करने वाले। एमएस स्वामीनाथन, जो अपने आईएएस, उस जमाने के आईएएस की नौकरी को छोड़कर किसानों के लिए अपना जीवन खपा दिए, उनको अभी मिला। बताइए आप, ऐसे ऐसे बड़े बड़े लोग थे। आपके भूपेन हजारिकार जी को, उनको आपका 2019 में मिला। ऐसे कई नाम हैं आपको मैं बता सकता हूँ। अटल जी को, पंडित मदन मोहन मालवीय जी के बारे में बोला। एपीजे कलाम जी को, देखिए मिसाइल मैन, ऐसे, लेकिन इनके पहले जिनको मिला उनके ऊपर कई लोगों का प्रश्न उठता है। आपके सरदार पटेल को कब मिला? देखिए आप, सरदार पटेल जी को भारत रत्न राजीव गांधी जी के बाद मिला, तो प्रश्न तो उठते हैं। लेकिन आपसे मैं निवेदन करता हूं कि आप भी, जितने लोगों को भारत रत्न मिला उनकी अलग अलग लोगों के बारे में जानने समझने का प्रयास करिए। और मैं इनमें से कुछ अच्छे लोगों को, जिनसे मैं प्रभावित हुआ हूं, महर्षि कर्वे से लेकर भगवान दास जी से लेकर
पांडुरंग काने जी से लेकर पंडित मदन मोहन मालवीय जी से लेकर भीमराव अम्बेडकर जी से लेकर संविधान सभा का जज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से लेकर चौधरी चरण से लेकर कर्पूरी ठाकुर जी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर मैं ऐसे कई लोगों को के ऊपर, नाना जी देशमुख के जी के ऊपर, ऐसे कई लोगों के ऊपर, पी वी नरसिम्हा राव जी से, ना जाने आपके कई लोग APJ कलाम जी के ऊपर, ऐसे कई लोगों के ऊपर मैं चाहता हूँ। लेकिन फिर एक प्रश्न उठाता हूँ, मदर टेरेसा जी को भारत रत्न दिया गया, कब दिया गया? 1966 से 1983 के बीच में इंदिरा गांधी जी के द्वारा। कितने बड़े बड़े आरोप हैं धर्मांतरण को लेकर उनके ऊपर। वो सेवा के नाम पर ईसाइयत फैलाई, धर्मांतरण करी, सेवा के नाम पर उनके ऊपर बहुत बड़े आरोप हैं, लेकिन भारत रत्न दिया गया। जैसे महाराष्ट्र में विधानसभा और लोकसभा चुनाव था तो सोचा गया कि तेंदुलकर को भारत रत्न देने से शायद वोट मिल जाएगा। जैसे अभी कई लोगों को आपका दिया गया भारत रत्न, ऐसे लोगों को लगता है इनके देने से, जैसे एक उदाहरण के रूप में आरोप लगाते हैं कि प्रणब मुखर्जी जी को जो दिया गया उनको देने से लोगों का ये आरोप लगता है कि बंगाल में आपको भद्र बंगाली समाज का वोट मिलेगा। लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ, बहुत ही शानदार लोगों को मिला जिनका नाम अभी मैं लिया। लेकिन आप खुद सोचिए, मेजर ध्यानचंद जी को अभी तक खेल के माध्यम से, तेंदुलकर जी को तो मिल गया लेकिन मेजर ध्यानचंद जी को अभी तक नहीं मिला आपका भारत रत्न। ऐसे कई ऐसे नाम हैं जिन पे प्रश्न उठाया जा रहा है अलग अलग क्षेत्रों पे। आप बताइएगा कि किनको किनको कमेंट्स के माध्यम से भारत रत्न, भारत की सेवा में मिलना चाहिए। आप दादा भाई नौराजी का नाम ले सकते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले जी का नाम ले सकते हैं, पता नहीं देश के कई फ्रीडम फाइटरों को आपको मिला है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी से लेकर सिराज गोपालचारी जी से लेकर आपको, अब आप खुद देख लीजिए, प्राइम मिनिस्टर को मिला है, कई प्राइम मिनिस्टर को मिला, गुलजारी नाथ नंदा जी को मिला, आप देख लीजिए क्यों मिला, प्राइम मिनिस्टर थे। देखिए इस तरह क्या अगर भारत रत्न बटेगा तो लोग प्रश्न करेंगे अलग अलग तरीके से, अलग अलग लोग प्रश्न उठाएंगे। लेकिन मेरा देश के पुरोधाओं से निवेदन है कि जिनकी अतुलनीय योगदान हो, जिनका महत्वपूर्ण योगदान हो भारत देश को लेकर, भारत की छवि को लेकर, भारत की उत्कृष्टता को लेकर, उनको एक कमिटी बनाकर भारत रत्न दिया जाना चाहिए। और एक निवेदन और है कि जो देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिए, देश के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, जो अब देखिए इसमें देश की सुरक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वालों को शायद जहाँ तक मेरे को याद है उनको भारत रत्न की श्रेणी में नहीं रखा गया है, उनको परमवीर चक्र अशोक चक्र में रखा गया। लेकिन नेताओं को, फिल्मी कलाकारों को बताइए आप भारत रत्न दे रहे हैं, लेकिन देश के लिए बलिदान होने वाले लोगों को भारत रत्न नहीं दिया जा रहा है। ये कैटेगरी को बांट दी गई है कि सुरक्षा के लिए अलग। मेरे ख्याल से मेरे को लगता है कि देश में एक नए पुरस्कार की घोषणा होनी चाहिए, वो पुरस्कार आचार्य चाणक्य के नाम से होना चाहिए। और जो देश के लिए बलिदान करे, जो देश के नाम को पूरी दुनिया में ऊंचा करे, जो भारत को विश्व गुरु बनाए, जो भारत की वैदिक आर्य सनातन संस्कृति सभ्यता को पूरी दुनिया में उच्च स्थान पर दिलाए, भारत को पुनः एक सर्वगुरु विश्व गुरु बनाए, ऐसे लोगों को छांट कर एक आचार्य चाणक्य के नाम से, क्योंकि आचार्य चाणक्य अगर नहीं होते तो आज मेरा भारत हजारों सैकड़ों टुकड़ों में बढ़ चुका होता और यहाँ के जो मूल निवासी हम सब हैं ना जाने किस दुनिया में फेंकाए पड़े होते, हम जिंदा रहते कि नहीं। अगर विदेशी आक्रमणकारी को, खासकर सिकंदर जैसे लोगों को हम अगर नहीं रोकते तो ना जाने हमारा देश आज क्या होता, किस दशा में होता। तो ऐसे आचार्य चाणक्य के ऊपर सबसे बड़ा सम्मान की शुरुआत करनी चाहिए, ये मेरी व्यक्तिगत राय है। आप जरूर बताइए कि भारत रत्न और किसको मिलना चाहिए, कौन नाम छूट गए, और मैं एक एक जो भारत रत्न है जिनके बारे में चर्चा किया
एक एक कड़ी लेकर आने का प्रयास करूंगा, उनके जीवन परिचय, उनका छात्र जीवन, उनके योगदान, क्योंकि अगर मैं सबके बारे में बोलना जाऊं तो कम से कम 3 से 4 घंटे का वीडियो बनेगा, जिसको व्यवहारिक रूप से आपके लिए सुनने में बड़ी तकलीफ होगी, मेरे को बताने में तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मैं जरूर चाहूँगा कि कुछ अच्छे लोगों पे मैं एक एक सिंगल आकलन और विश्लेषण लेकर आऊँ और आपके सामने कुछ तथ्यों को रखूँ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप मेरे इस सबसे साक्षात्कार चैनल को लगातार समर्थन देते रहेंगे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस विषय पर मैं लगातार विश्लेषण बनाऊंगा, ये बहुत ही संक्षिप्त है, इसमें आगे मैं डिटेल में बात करूंगा भारत रत्न पे। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करते जाइए और अपने क्षेत्र के सभी व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड करते जाइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माँ।